Assalamu alaikum. Welcome to Engr.Muhammad official. Dear students, yakeenan ab aap khairiyat honge aur ghar mein mere is lecture ko lene ke baad puri tarah practice kar rahe honge. To inshallah aaj ka jo lecture hai wo aapka second year DAE second year math 233 ka hai. To inshallah आप अगर घर पे कोशिश करेंगे और इस प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल ग्रो विद इंजीनियर मोहम्मद लतीफ. तो आप इसकी पूरी प्रैक्टिस करें और आए अब चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Dear students, جیسا کہ آپ کے سامنے ہے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ یہ سیکنڈ ایئر जिसका मैथ 233 और मैथ 212 ये कॉमन लेक्चर है. और क्योंकि ये दोनों में डेरिवेशन का सेम सिलेबस है और इसी तरह से इनमें जो है ये एक्सरसाइज भी सेम है, तो डेरिवेटिव का हम आज थोड़ा सा हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स है और इस डेरिवेटिव के जो इंट्रोडक्शन है वो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर दें आज का है. तो आइए चलते हैं. असल में बेटा डेरिवेटिव जो है वह एक वेरिएबल में दूसरी वेरिएबल के लिहाज से चेंज मालूम करने का नाम है. यानी हमारे पास अगर कोई एक वेरिएबल वाई है तो वो किसी दूसरे वेरिएबल एक्स पे डिपेंड करता है, या कोई एक वेरिएबल वाई है वो किसी दूसरे वेरिएबल टी पे डिपेंड करता है, तो हम कहते हैं हम निकालते हैं कि वेरिएबल वाई में कितनी तब्दीली आई जबकि वेरिएबल एक्स में कोई चेंज आए. तो वाई में कितनी इंक्रीमेंट आएगी जबकि किसी दूसरे वेरिएबल टी में या किसी दूसरे वेरिएबल एक्स में तब्दीली आएगी. तो हम इस तरह से लिखते हैं इस फंक्शन को. डिस्कस किया हमारे पास से कोई भी वेरिएबल वाई है तो वो डिपेंड करता है एक्स पर. हम इसे कहेंगे वाई इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स. यानी जैसे ही वेरिएबल एक्स पे चेंज आएगी तो साथ ही वेरिएबल वाई में तब्दीली आएगी. अब इस चेंज को जो चेंज इन वाई है, चेंज इन वाई उसको मैं लिख सकता हूँ दो तरीके से, सिग्मा वाई या डेल्टा वाई. और इसको पढ़ूंगा मैं डेल्टा वाई, ठीक हो गया. और इसी तरह से चेंज इन एक्स जो है, चेंज इन एक्स उसको मैं लिखता हूँ सिग्मा एक्स और डेल्टा एक्स, इसको बोलता हूँ डेल्टा एक्स, ठीक है. तो मैं y में, क्योंकि y जो है इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मैं कहूँगा y x x का फंक्शन है, तो मैं y में तब्दीली मालूम करूँगा जबकि x में कोई तब्दीली डेल्टा x आएगी. y में डेल्टा y तब्दीली फाइंड करूँगा जबकि विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, जबकि x में डेल्टा x तब्दीली आएगी. तो इसी तरह से मैं चेंज इन टी को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा टी आर डेल्टा टी, इसको पढ़ूंगा डेल्टा डेल्टा टी. ठीक हो गया जी. अब बस क्या मेरे पास वाई जो है वो एक फंक्शन है एक्स का, तो वाई के अंदर जो चेंज आएगी डेल्टा वाई जबकि एफ एक्स में चेंज आएगी एफ डेल्टा एफ एक्स, तो मैं कहूँगा डेल्टा वाई जो है
जब जो है वो जब x में डेल्टा डेल्टा x चेंज आएगी एफ एक्स तो y में डेल्टा y तो दी आएगी. तो मैं ऐसे करता हूँ कि y के अंदर इधर डेल्टा वाई ऐड कर देता हूँ. इसको मैं डेल्टा वाई को पढ़ता हूँ इंक्रीमेंट इन वाई और डेल्टा एक्स को पढ़ता हूँ इंक्रीमेंट इन एक्स. अब ये इंक्रीमेंट जो होती है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. एक्स के अंदर वाई के अंदर जो भी इंक्रीमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. और जब मैं वाई में एक्स के लिहाज से जो चेंज निकालता हूँ यानी चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बटा डी एक्स भी. और इसको मैं कहूँगा डी वाई बटा डी एक्स को y डैश, इसका मतलब है चेंज इन y, डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x. मैं इसको y डैश भी लिखूंगा, ये dy dx के बराबर होगा. या इसको मैं y 1 भी लिखूंगा जिसका मतलब होता है dy बटा dx. तो मैं इसको मुख्य तरीके से लिख सकता हूँ dy ओवर dx के. इसको पढ़ूंगा डेरिवेटिव y with respect to derivative of x or dy बटा डी एक्स. या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d बटा डी एक्स वाई. यहाँ पे जो d बटा डी एक्स है ना ये एक ऑपरेटर है जो हमने y पे लगाया. d बटा डी एक्स एक एक्स एक ऑपरेटर है जो हमने किस पे इम्प्लीमेंट किया y पे, ताकि हम y में जो चेंज आ रही है मिनिमम चेंज, जबकि एक्स में कुछ चेंज आए, जबकि वाई जो एक्स पे डिपेंड करता है या वाई का फंक्शन है, तो हम वो फाइंड आउट कर सकें. जी हम बात कर रहे थे कि वाई जो है वो एक्स का फंक्शन है, वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है, और इसको हम लिखते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स. y is the function of x, then y is equal to fx, f for function. तो अगर y के अंदर डेल्टा y चेंज आएगी तो x के अंदर डेल्टा x चेंज आएगी. तो मैं दोनों इस इक्वेशन 1 के दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ. जब y के अंदर डेल्टा y चेंज आएगी तो x के अंदर डेल्टा x चेंज आएगी. ठीक है, तो y जो है वो बढ़कर y प्लस डेल्टा y हो गया, जबकि x जो है बढ़कर x प्लस डेल्टा x हो गया. ठीक है, तो मेरी ये इक्वेशन नंबर 2 है. नाउ सब्ट्रैक्टिंग, अब मैं माइनस कर दूंगा 2 फ्रॉम 1 फ्रॉम 2. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो देखें आपके सामने आता है y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x माइनस f x. डेल्टा y अब y y से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा y इज इक्वल टू f x प्लस डेल्टा x माइनस f f x. Dividing both sides. अब दोनों साइड हम डेल्टा एक्स पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब डेल्टा वाई जो है वाई के अंदर डेल्टा वाई चेंज आती है तो एक्स के अंदर डेल्टा एक्स चेंज आती है, और हमने डेल्टा वाई जो है वो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स. डिवाइडिंग बोथ साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बाय डेल्टा एक्स. देखिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स. टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स
अब हमने डेल्टा वाई में वो मिनिमम चेंज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, जबकि डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोचेस टू जीरो हो, देन व्हाट विल बी द चेंज इन डेल्टा वाई। टेकिंग लिमिट ऑन, उसके लिए हम लिमिट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो हमने लिमिट ली दोनों साइड डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स लिमिट, जबकि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी जब एक्स जो है वो इनिशियल वैल्यू थी और इनिशियल वैल्यू से एक्स चेंज होकर उसके अंदर डेल्टा एक्स चेंज आई, तो हम निकाल लेंगे डेल्टा वाई में डेल्टा एक्स के भाषित हैं, तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो इधर भी मैं ले लेता हूँ लिमिट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स और डेल्टा एक्स। अब जिस वक्त आपका डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के लिहाज से हम चेंज निकाल रहे हैं, जब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, तो मैं डेल्टा वाई बटा डेल्टा को लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, वो इधर आ जाएगा आपका लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स को मैं कहूंगा डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या मैं स्पेशल दे सकता हूँ डी बटा डी एक्स वाई, यानी वाई के ऊपर जो है हमने डी बटा डी एक्स जो है ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से मैं लिमिट को यूज करते हुए एक फंक्शन एफ एक्स था और इसमें चेंज आई डेल्टा एक्स, वो एफ एक्स से बढ़कर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, तो फिर मैंने चेंज निकाल ली वाई के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इंक्रीमेंट इन वाई विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बटा डी एक्स, और डी वाई बटा डी एक्स को लिखता हूँ डी वाई, यानी डेरिवेटिव y, या मैं इसको y डैश भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या इसको y वन भी लिख सकता हूँ, मुख्तलिफ तरीके से इसको मैं पढ़ूंगा डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। यहाँ पे बेटा जो डी वाई बटा, यहाँ पे जो हमने हमारे पास था डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको पढ़ूंगा चेंज इन चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y चेंज इन डेल्टा y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेल्टा x व्हेन x हैज अ इनिशियल वैल्यू जब मैं इसको पढ़ूंगा कि जो डेल्टा y डेल्टा x जो है वो उसका लिमिट जब एक्स अप्रोचेस टू जीरो हो, ये चेंज इन डेल्टा वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेल्टा एक्स, या चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स पढ़ूंगा, ठीक है जी। डी वाई ओवर डी एक्स निकाल डिफरेंशियल कोफिशिएंट को, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और इसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट को निकालने के अमल को कहते हैं, इसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के निकालने को कहते हैं डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस टू फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो यही है आपके डिफरेंशिएशन का या डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन। इसमें अभी मैंने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकाला था एक फंक्शन वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसकी यूनिट ड्राइव की, और फिर डी वाई बटा डी एक्स निकाला, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि डिफरेंशिएशन जो है हम डेरिवेटिव क्यों लेते हैं किसी एक फंक्शन का दूसरे के लिहाज से। तो अब आज हम करेंगे इसके रूल्स, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल है डेरिवेटिव ऑफ अ कॉन्स्टेंट, दैट ओसी है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है
वो हमेशा जीरो होता है, किसी कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1, 2, 3, 1000 कोई भी, या कोई भी वैल्यू ए बी सी जो कि कांस्टेंट हो, और आपको पता है कांस्टेंट वो वैल्यूज होते हैं जो चेंज नहीं होती, तो कांस्टेंट के जो डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है. तो मैं इसको लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वैल्यू जैसे वो सी है इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसके जो थ्योरम्स के प्रूफ है वो भी प्रोवाइड करूँगा. तो अभी क्योंकि हमने शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं तो अगले लेक्चर के अंदर, इसलिए आज इसके आप जो रूल्स हैं वो देख लीजिए कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा ज़ीरो होता है. नंबर टू, आपके डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल इटसेल्फ, कोई भी वेरिएबल एक्स है फर्ज किया और हम एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से ही ले रहे हैं या वाई का डेरिवेटिव वाई के लिहाज से ले रहे हैं, हम वाई को का डेरिवेटिव चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई हम फाइंड करते हैं, चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, यानी किसी भी वेरिएबल का अपने आप का डेरिवेटिव जो है वो हमेशा वन होता है. जैसे फर्ज किया वाई जो है वो अगर एक्स के हैं तो मैं लिखूंगा डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, आर डी बटा डी वाई ऑफ वाई इज इक्वल टू वन. यानी अगर कोई भी वेरिएबल एक्स है और उसको आप उसके ऊपर ऑपरेटर डी बटा डी एक्स इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसके ऊपर ऑपरेटर लगाता हूँ, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा हमेशा वन होगा. इसी तरह से कोई भी वेरिएबल वाई है और उसका डेरिवेटिव वाई के लिहाज से डी बटा डी वाई ऑपरेटर पे अप्लाई करता हूँ तो उसका भी डेरिवेटिव वन होगा. थर्ड जो है वो है पावर रूल. पावर रूल ये है ऑफ डिफरेंशिएशन, कि अगर मेरे को कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसकी पावर है एन और इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है उसकी मैं पावर एन है और मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं इसको ले सकता हूं एन को शुरू में ले आऊंगा. किस तरह से इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, एन को शुरू में ले आऊंगा, फिर मैं ही एफ एक्स फंक्शन लिखूंगा और इसके ऊपर जो जो पावर दी गई थी वही इसके ऊपर लिख दूंगा, उसमें से एक माइनस कर दूंगा और फिर मल्टीप्लाई करके इसी फंक्शन की मैं डेरिवेटिव ले लूंगा एफ एक्स का. ठीक है जी, तो इसी तरह से मैं इस तरह से इस पे पावर रूल पर इंप्लीमेंट करते हुए किसी भी फंक्शन एफ एक्स जिसकी पावर एन है उसका डेरिवेटिव निकाल सकता हूँ. कैसे, शुरू में ले आऊंगा पावर को, फिर वही फंक्शन एफ एक्स लिखूंगा, उसके ऊपर पावर लिख दूंगा एन, उसमें से एक माइनस कर दूंगा और फिर मल्टीप्लाई करके उसी फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव ले लूंगा. नंबर फोर जो है प्रोडक्ट रूल है ऑफ डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि अगर कोई दो फंक्शन एफ एक्स वन और एफ एक्स टू मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं. देखिए आपके सामने है, अगर कोई दो फंक्शन एफ एक्स वन और एफ एक्स टू ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनका किस तरह से डेरिवेटिव लेंगे. तो हम दूसरे फंक्शन को वैसे लिख देंगे डे स्टूडेंट और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर पहले फंक्शन प्लस लिख के प्लस करके फिर पहले फंक्शन का हम इसी तरह से लिख देंगे विदाउट एनी चेंज और मल्टीप्लाई करके दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे. ठीक है जी, तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन. इस तरह से फिफ्थ जो रूल है उसे कहते हैं क्वेश्चन रूल. या डिवाइड रूल.
डिवाइड रूल यह है कि अगर टू फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं एफ एक्स वन और एफ एक्स टू डिवाइड हो रहे हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा है, तो हम उस वक्त जो रूल लगाएंगे उसे कहते हैं क्वेश्चन रूल या डिवाइड रूल, वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। देखिए डेरिवेटिव हम ले रहे हैं कोई भी फंक्शन एफ एक्स वन जो है वो डिवाइड हो रहा है दूसरे फंक्शन एफ एक्स टू पे, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे देंगे, इसके लिए हम इस पर लगाएंगे क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल ये है कि सबसे पहले हम नीचे वाला जो फंक्शन है उसको वैसे लिख देंगे और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर माइनस ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिख देंगे और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, और उसके बाद नीचे वाला जो फंक्शन होगा उसका स्केल ले लेंगे। तो यकीन आप समझ चुके होंगे कि जब कोई भी फंक्शन एफ वन फंक्शन एफ टू फंक्शन डिवाइड हो रहा है और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, उस ऑपरेटर हमने डी एफ बटा डी एफ डी बटा डी एक्स लगाया है, तो हम कैसे लिखेंगे इसके किस तरह डेरिवेटिव लेंगे। नीचे वाला जो फंक्शन है उसको हम वैसे लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस ऊपर वाले फंक्शन को वैसे लिख देंगे और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, और फिर बटे के अंदर हम नीचे वाले फंक्शन का स्केल ले लेंगे। नेक्स्ट जो है वो सिक्स रूल है, वो ये है कि अगर फर्ज किया दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो मसलन कोई भी फंक्शन एफ एक्स वन जो है वो ऐड हो रहा है दूसरे फंक्शन उसमें जमा हो रहा है, और हमसे कहा जा रहा है कि इनका आप डेरिवेटिव निकालें, जबकि दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे। पहले फंक्शन का हम फिकर करेंगे ये डेरिवेटिव हर एक फंक्शन का ज़्यादा ले लेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मनफी प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जब दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हों और उनका डेरिवेटिव लेने को कहा जाए, तो आप क्या करना है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर दो फंक्शन आपस में माइनस हो रहे हैं एफ एक्स वन में से दूसरा फंक्शन एफ एक्स टू जो है, पहले फंक्शन में से दूसरा फंक्शन माइनस हो रहा है, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव। सिंपल यह है कि पहले फंक्शन जो कोई भी है, मतलब आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, कोई भी फंक्शन है एफ वन एक्स या टू एक्स, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी हर एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे और दरमियान में माइनस लिख देंगे। इस तरह अगर प्लस हो रहे हैं तो हर एक का पहले फंक्शन और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव अलग ले लेंगे, इस पर ऑपरेटर जो है अप्लाई कर देंगे और दरमियान में हम प्लस लिख देंगे। इसी तरह से अगर कोई भी फंक्शन जो है उससे पहले कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, कोई भी फंक्शन से पहले डिस्ट्रांच कॉन्स्टेंट वैल्यू ए बी या सी जो है कोई भी मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसको कैसे करना है। जैसे मैं अभी और कहा जाता है कि आपसे कि उसका डेरिवेटिव निकालें, कोई भी कॉन्स्टेंट ए है वो आपके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके फंक्शन के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है फंक्शन जो है वो चेंज हो जाता है जब उसका वेरिएबल चेंज होता है, तो फंक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो आपको पता है कि जिस वक्त आपका फंक्शन के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट जो है जो कि चेंज नहीं होता मल्टीप्लाई हो रहा हो, और आपसे कहा जाए कि इसका आप डेरिवेटिव निकालो, तो क्या करेंगे, आप सिंपली इस कॉन्स्टेंट को शुरू में ले आएंगे और ये जो आपका डेरिवेटिव है यानी जो ऑपरेटर है डी बटा डी एक्स, ये अंदर शिफ्ट हो जाएगा और आप अपने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह से कोई भी आपका फंक्शन जो किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर डेरिवेटिव जब लेना हो तो हम किस तरह लेते हैं। तो हम फंक्शन को शुरू में ले आएंगे, सॉरी आपका डेरिवेटिव को जो है वो अंदर शिफ्ट कर देंगे और आपका जो कॉन्स्टेंट है उसको शुरू में ले आएंगे और फिर आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यकीनन आप उम्मीद करता हूँ
कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी कि ये किस तरह से हमने मुख्तलिफ रूल जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं, और इसी तरह से अगर किसी भी कांस्टेंट के अंदर आपके एक्स प्लस ए जो है फर्सी या इसके अंदर आपका वो तो ऐड हो रहे हैं, कोई किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है और उसकी पावर हो जैसे पावर रूल के अंदर, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। जैसे फर्स्ट कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट है एक्स और उसके अंदर ए ऐड हो रहा है, अब मैं पावर रूल की बात कर रहा हूँ और आपसे कहा जाता है कि इसका डेरिवेटिव निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे। सिंपली आप क्या करेंगे, यही जो आपका पावर है शुरू में लेंगे, फिर आप कांस्टेंट लिखेंगे जो जो कि आपका बेस है और इसके ऊपर पावर लिख के उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है जी, और फिर एंड बस इसको सिंपली जो है लिख देंगे। यहाँ पे जो ए है आपका एक स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट है। इसी तरह से आपके पास कोई और फंक्शन हो जैसे ए एक्स प्लस बी है और इसकी पावर एन है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ इसको भी सिंपल इसी तरह करेंगे कि शुरू में ये वाली पावर लेंगे और इसके बाद आपका जो बेस है वो लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और इसके ऊपर पावर लिख के उसमें से एक माइनस कर देंगे और एंड पे जाकर जो है फिर इसका बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे, एंड पे जाके बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसी तरह से इस यहाँ पे जो आपका ए है या यहाँ पे ए और बी जो है, यहाँ ए और बी ये दोनों स्केलर हैं और यहाँ ए जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसके अंदर का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर पसंद आया हो और यकीनन आपको समझ भी आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंजीनियर मोहम्मद लतीफ ऑफिशियल को, और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और साथ इसके लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अगर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर उसका आपको जवाब दे सकूं, उसका सलूशन दे सकूं, और उसके साथ जो है अपने दोस्तों के साथ जो स्टूडेंट हम शेयर भी करें। तो ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है जो हमें अप्रिसिएशन जो है बूस्टअप करती है कि हम नए वीडियोज़ हैं वो बनाएं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए जो है फर्दर हम स्ट्रगल करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें इंशाल्लाह हम आपके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव के, जिसका कोड जो है मैथ 233 और 212 जो है वो दोनों का सेम है। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।